नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। 14 फरवरी 2017 की सुबह कश्मीर के बांदीपुरा में आतंकियों से खौफनाक मुठभेड़ हुई। इसमें सीआरपीएफ के जाबाज कमांडेंट चेतन चीता ने 9 गोलियां खाकर भी हिजबुल के कमांडर को ढेर कर दिया। इसके बाद 2 महीने तक उन्होंने मौत से जंग लड़ी और उसे भी मात दी। चेतन चीता की हैरतअंगेज कहानी आपको सुनाते हैं उन्हीं की जुबानी, जिनसे बात की न्यूज 18 इंडिया के नीतीश कुमार ने। शौर्य और जांबाजी की कुछ कहानियां मिसाल बन जाती हैं, लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाती हैं। कुछ ऐसी ही कहानी है सीआरपीएफ के जांबाज कमांडेंट चेतन चीता की। फिलहाल कमांडेंट चीता पूरी तरह से सुरक्षित हैं और हमारे साथ मौजूद हैं हमसे बात करने के लिए। कमांडेंट चीता, न्यूज 18 इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। कमांडेंट चीता, अगर लाइफ के लिहाज से देखें, लाइफ के पर्सपेक्टिव से देखें, एक्शन से दूर, पिछले 2-3 महीनों को आप किस नजरिए से देखते हैं? आई एम ऑन लीव, दैट इज ऑल आई कैन से। जरा भी नहीं अखरता, एक्शन से अभी दूर हैं आप? एक्शन हर दिन भी नहीं होता, कई बार आपका कंप्लीट टेन्योर निकल जाता है 3 साल का किसी एरिया में। कमांडर चीता, 14 फरवरी की सुबह बांदीपुरा में क्या हुआ था? हर चीज़ को एक सीक्वेंस में बताना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना सा बोलूँगा कि बांदीपुरा के हाजिन जो कस्बा है उसके अंदर ये लोग काफ़ी टाइम से एक्टिव हैं। इनको भी मालूम है कि हमें मालूम है कि वो वहाँ पे हैं, और उनको ये भी मालूम है कि हम उनके लिए, उनके इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हर चीज़, हर कोशिश कर रहे हैं। मेरा कैंप तो उस हाजिन एरिया से करीब 12 किलोमीटर दूर है, लेकिन आर्मी का जो सेक्टर हेडक्वार्टर है और जो आरआर बटालियन है, 13 आरआर, उसका बटालियन हेडक्वार्टर, वो तो बिल्कुल एडजेसेंट है। ये गन शॉट कैसे आपको लगा? कितने आतंकी रहे होंगे उस वक्त उस इलाके में? हमें खबर तो 5 की थी, लेकिन एक्चुअली में वो 9 से ज्यादा थे। तो गन शॉट कैसे लगा? क्या आप अपने लोगों को डिप्लॉय कर रहे थे, क्या करे उस वक्त एग्जैक्टली क्या हुआ था? एक्चुअली जो मेरी आरआर के सीओ से बात हुई थी, कमांडिंग ऑफिसर से, विक्रमजीत सिंह, तो उसके इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हमारे को करीब 4 बजे के आसपास हमारे को डिप्लॉय होने का था। लेकिन जब मैं वहाँ पे हाजिन के पुलिस स्टेशन में पहुँचा सुबह 4 बजे, तब मुझे मालूम पड़ा कि उनकी रात में ही डिप्लॉय हो चुकी थी, और दैट वाज काइंड ऑफ ट्रैप, जिसमें जैसे उनकी पार्टी डिप्लॉय हुई उन्होंने वो ट्रैप में आईडी लगाए हुए थे, फ्यू ऑफ देयर सोल्जर्स एंड वन मेजर वाज बैडली हर्ट। तो वहाँ मेरी पुलिस स्टेशन में जो बात हुई ऑफिसर्स से, सो इट वाज लाइक दैट कि सर आप जल्दी से जल्दी निकल जाओ एज अ रेस्क्यू टीम। तो उस टाइम पे मेरे ऑब्जेक्टिव दो थे, एक तो उस एरिया को अपने कब्जे में लेना, दूसरा जो इंजर बंदे हैं वहाँ से उनको एवैक्यूएट करना। सो आई डिड दैट वर्क। उसी दौरान फायरिंग हो गई? उसी दौरान 3 मिलिटेंट भागने की कोशिश करने लगे और भागते भागते उन्होंने फायर किया। कमांडेंट चीता, जब एक सोल्जर को गोली लगती है, आपको गोली लगी, तो उस समय एक जनरल सोल्जर का क्या माइंडसेट होता है? क्या उसके सामने कुछ तस्वीर उभरती है, माइंड ब्लैंक हो जाता है, या परिवार बच्चों की तस्वीरें उभरती हैं, या ऐसा कुछ नहीं होता? हिंदी मूवी जैसा कुछ भी नहीं होता, इट वॉज अ नॉर्मल ब्लैकआउट। And you know that you have been hit. आपको गरम गरम महसूस होता है कि यहाँ से ब्लड आ रहा है,
अदरवाइज नथिंग। कमांडेंट चीता, इतने सालों तक आपने पूरी निष्ठा के साथ, बहादुरी के साथ, ईमानदारी के साथ इस देश की सेवा की, क्या आपको लगता है कि इस मुल्क ने आपकी सेवा का कर्ज अदा कर दिया? आई डोंट वॉन्ट एनी पे बैक। क्या एक सोल्जर को रिकग्निशन की ज़रूरत नहीं होती? आई ऑलवेज सेड कि यस, आपको उससे काम लेना है तो आपको उसको उसके वर्क को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। उस रिकग्निशन का डेफिनेशन क्या है? रिकग्निशन का डेफिनेशन ये है कि आप उसके डेडिकेशन को अक्नॉलेज करें। कमांडर चीता, कश्मीर में आए दिन हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, आप जैसे ब्रेव सोल्जर्स को गोलियां लगती हैं। अभी दो दिन पहले एलओसी पर हमारे दो जवानों के सर काटकर बैट की टीम, जो पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम है, वो ले गई। तो क्या इस सिलसिले का कोई हल नहीं है? क्या यह सिलसिला जो है ऐसे ही जारी रहेगा? यस। कोई सोल्यूशन आप देखते हैं इस समस्या का? कोई सोल्यूशन नहीं है इसका? सोल्यूशन इसका अभी, वी हैव थ्री वॉर्स विद पाकिस्तान। तीन वॉर्स हो गए पाकिस्तान के साथ, फिर भी कश्मीर समस्या का जो है समाधान नहीं हो पाया। क्या ऐसे ही हमारे सोल्जर्स जो है मारे जाते रहेंगे कश्मीर में? क्या ऐसे ही हम आतंकियों से लड़ते रहेंगे वहाँ पर? फाइनल कोई सेटलमेंट नहीं हो पाएगा कभी? कश्मीर इज अ काइंड ऑफ कैंसर टू अस। आपने गंदगी कितनी भी निकाल के फेंक दो, अंदर से वापस डेवलप होती ही रहती है। देखते हैं। मतलब हाल फिलहाल में इस समस्या का कोई समाधान नज़र नहीं आता। जो बिहेडिंग हुई है, एक जो नॉर्म्स होता है उसके खिलाफ भी है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपको लगता है ये ह्यूमन राइट्स को ये रिस्पेक्ट देते हैं? नो, दे डोंट। दे टेक इट एज अ वेरी कैजुअल थिंग। अभी जनरल रावत ने भी बीच में कहा था, आर्मी चीफ ने, कि जो पत्थरबाज हैं वहाँ उनसे वो भी जो है टेररिस्ट की तरह ट्रीट किए जाएंगे अगर वो जो एक्शन है, जो वहाँ ऑपरेशन हो रहा है, उसमें किसी तरह की दिक्कत डालते हैं, बाधा डालते हैं। तो क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट की तरफ से सफिशिएंट एक्शन लिया जा रहा है कश्मीर में? गवर्नमेंट कौन है वहाँ पे? हम ही तो आए। कमांडर चीता, आप नक्सल एरिया में भी आप तैनात रहे हैं, काफ़ी ऑपरेशंस किए आपने। एक सुकमा का इलाका है जहाँ बार बार हमारे जवान जो है शहीद होते रहे हैं। अभी 24 अप्रैल को हमारे 25 जवान सीआरपीएफ के मारे गए, तो ऐसा क्यों बार बार होता है? उसी इलाके में, एक इलाके में हमारे जवान जो है बार बार जो है मारे जा रहे हैं। नितेश, आई वॉन्ट यू टू गो इन टू द हिस्ट्री ऑफ बस्तर। क्या कोई सोल्यूशन नहीं है सुकमा में? इसी तरह से लोग, हमारे जवान मारे जाते रहेंगे आने वाले वक्त में भी? उसके आसपास के इलाके में कुछ साल पहले 2010 में दंतेवाड़ा में 76 जवान हमारे शहीद हो गए। मार्च में 11 जवान, 11 मार्च को 11 जवान सीआरपीएफ के शहीद हो गए, अब 25 जवान। तो क्या कोई सोल्यूशन नहीं, डेफिनेट सोल्यूशन नहीं है? ऐसे ही आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा? हर नुकसान से आप कुछ सीखते हो। जो हमारे 76 पर्सनल शहीद हुए थे, उसके बाद में हमारी कैजुअलिटीज में काफ़ी कमी आई थी। दैट वाज बिकॉज सीआरपीएफ ने अपनी मॉडस ऑपरेंडी चेंज की थी। अब क्या लगता है आपको कि क्या करना चाहिए जिससे इस तरह की जो है कैजुअलिटीज ना हो? कुछ प्रोएक्टिव एक्शन लेना चाहिए? दैट्स द अल्टीमेट थिंग, वो तो फाइनल वो है। क्या सीआरपीएफ के पार्ट से भी कुछ ऑपरेशंस में जो रणनीति है, स्ट्रेटजी है, वो कहीं चूक हो जाती है, एसओपी को फॉलो नहीं किया जाता? क्या इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हमारे जवान शहीद हो रहे हैं? सीआरपीएफ की तरफ से कोई चूक नहीं होती? नहीं, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा। कमांडेंट चीता, कैजुअलिटी को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? या तो आप अपने कैंप के चारों तरफ कैंप को अच्छे से गार्ड करके अंदर बैठ जाओ, या दूसरा है कि या तो आप है ना अपना कफन बांध के
सर पे बाहर निकल गया। बस यही सॉल्यूशन? आप वैसे देखो नॉर्थ ईस्ट की प्रॉब्लम, नक्सल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हर प्रॉब्लम अपने में अलग है। लेकिन फिलहाल नक्सल समस्या का, जम्मू कश्मीर और नक्सल समस्या का आपके मुताबिक कोई समाधान नहीं है नियर फ्यूचर में? कुछ दिन पहले एक मीडिया वाले आए थे, मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे ये। मैंने उनको ये बोला था कि मेरे को तो कोई सोल्यूशन नज़र नहीं आता इसका। सुकमा का भी कोई हल नहीं, कश्मीर का भी कोई हल नहीं, आपने जैसा नहीं नहीं, नहीं 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 ऐसे नहीं, बात नहीं है। हल क्यों नहीं है? क्या हल है? आप पलट के पंजाब को देखो, सब ठीक हो गया। नक्सल में आप आंध्रा को देखो, बिहार को आज देखो, वेस्ट बंगाल को देखो, सब निमट गए। कोई एक छोटी नहीं, कोई भी एक छोटी छोटी चीज़ें काम कर जाती कई बार, आपको रियलाइज़ नहीं होता। पंजाब में वो टेररिस्ट ने जो पुलिस वालों के अगेंस्ट में ऑपरेशंस किया था, इसमें उन्होंने उनके घर वालों को मारा था, वो उनको बूमरैंग कर गया। तो आपके कहने का मतलब है जिस तरह से पंजाब में जब टेररिज्म था उसको आयरन हैंडेडली डील किया गया, उसी तरह से जम्मू कश्मीर और नक्सल बेल्ट में भी उसी तरह की कार्रवाई की ज़रूरत है, ये कहना चाहते हैं आप? आयरन हैंडेडली तो नहीं, लेकिन थोड़ा दिमाग से। कहाँ? जम्मू कश्मीर और नक्सल इलाके दोनों जगह? आपके तेलंगाना एरिया के अंदर नक्सलिज्म क्यों ख़त्म हुआ है? कमांडेंट चीता, पिछले एक महीने में कश्मीर में पत्थरबाजों की वजह से तकरीबन 25 मिलिटेंट्स जो टेररिस्ट हैं वो फरार हो गए, तो आपको क्या लगता है कि इन पत्थरबाज जो कि हमारे ही देश के नागरिक हैं, इनके साथ जो है किस तरह से डील करना चाहिए? मतलब उनकी एनर्जी को प्रॉपरली चैनलाइज करना चाहिए। और उनकी वजह से जो हमारे जवान मारे जा रहे हैं? नहीं, उनकी वजह से तो मेरे को नहीं लगता। कमांडेंट चीता एक बार फिर से हमसे मुखातिब हो गए हैं। कमांडेंट चीता, कुछ आपके परिवार के बारे में जानना चाहेंगे। आपके दो बच्चे हैं, जब आप तकरीबन 2 महीने के बाद हॉस्पिटल से घर आए तो क्या रिएक्शन था? दे वर वेरी हैप्पी। आपका क्या रिएक्शन रहा? मैं तो आज इतने दिनों के बाद अपने दो बच्चों को देखने के बाद क्या रिएक्शन था आपका? बैटरी रिचार्ज हो गई थी दोबारा। एक बार तो ये भी नहीं लग रहा था कि बच्चों से मिल पाऊंगा। आपके दो बच्चे हैं, वंचिता, क्या आप उन्हें पैरामिलिट्री फोर्स में या फिर सेना में भेजना चाहेंगे? एब्सोल्युटली, नो प्रॉब्लम, आई लव टू। आपकी पत्नी हैं उमा जी, उमा सिंह, जो उन मुश्किल हालातों में आपकी ताकत बनकर आपके साथ खड़ी रहीं, क्या आप क्या कहना है उनके बारे में? शी इज़ अ वंडरफुल लेडी। किस वक्त कौन सा बटन दबाना है उनको सब मालूम है। आपकी रिकवरी में बहुत ज़्यादा योगदान उनके कंपोज़र का, उनकी जो दृढ़ इच्छा शक्ति है, मैंने भी अस्पताल में कई बार उनको देखा था, तो अनशेकेबल बिल्कुल। आप मानते हैं उनका काफ़ी बड़ा हाथ रहा आपकी रिकवरी में? एग्जैक्टली। अगर दो शब्द उनके बारे में कहने हों तो क्या कहेंगे? इतने सारे एक्सप्रेशन दो शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है। आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट आई लव यू, दैट्स ऑल। चेतन जी, आपसे एक आखिरी सवाल, देश के दुश्मनों को कमांडेंट चीता का क्या मैसेज है जो देश के अलग अलग हिस्सों में, कश्मीर में हम पर हमला कर रहे हैं, हमारे खिलाफ साजिशें रच रहे हैं, उसके लिए आप जैसे बहादुर जांबाज कमांडेंट का क्या मैसेज है? आई जस्ट वांट टू टेल देम कि गेट आउट फ्रॉम दिस कंट्री। उन्होंने मुझे इंजर्ड किया है, तो पहले से और मजबूत होके मैं आऊँगा। अभी आई विल कम बैक। चेतन जी, एक आखिरी सवाल आपके बारे में, एक एक गोली जो है किसी की ज़िंदगी ख़त्म करने के लिए काफ़ी होती है,
आपने तो नौ नौ गोलियां शरीर के अलग अलग हिस्से में झेली, आखिर क्या हैं आप? क्या कमांडेंट चीता कोई सुपरमैन है? उनका निशाना ठीक नहीं था। तो ये थे कमांडेंट चेतन चीता जांबाज, कमांडेंट जो हमारे देश के सपूत हैं। ऐसे जांबाज कमांडेंट जो बिना अपनी जान की परवाह किए दुश्मनों के नापाक मंसूबों को नाकाम करते आए हैं, वैसे जांबाज कमांडेंट को न्यूज़ 18 इंडिया सलाम करता है।